ये जितने भी मर्द हजरात हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, जो फेमिनिज्म के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और अपने इंस्टाग्राम पे भी, और बाकी चीज़ों जितने भी है उनके प्लेटफॉर्म हैं उसके ऊपर, जो है ये वुमेन्स राइट्स के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि औरत की शायद ज़िम्मेदारी सिर्फ रोटी बनाना है, गोल रोटी बनाना है। अगर उसको गोल रोटी नहीं बनानी आती तो जो है ना, शायद वो घर नहीं चला सकती। तो मेरा ख्याल है औरत की तरबियत में खाना पकाने के अलावा भी जो है ना, बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप उनको पढ़ाएं, उनको स्किल्स दें, उनको हुनर दें, उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताएं, ठीक है, बड़ों का अदब कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है। तो बींग अ बॉय, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट टेल दैट ये रोटी मैंने खुद बनाई है और मैंने अपनी मदर को नहीं कहा है, और ये मैं खुद बना रहा हूँ, राइट, एज यू कैन सी, ठीक है। हम थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देते हैं। तो अगर जिसे कोई प्रॉब्लम है कि मर्द खाना नहीं पका सकते हैं या मर्द काम नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप सारे काम करते हैं, लेकिन जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो आपको काम करने में मसला होता है, ठीक है। तो बाहर के मुल्क में तो आप हर तरह का कुत्ते भी नहलाने को प्रेफर देंगे, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान में रह के आप जो है कोई काम जो है ना नहीं करना चाहेंगे। आपको वाइट कलर जॉब चाहिए, ठीक है, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको खूबसूरत लड़की भी चाहिए, लेकिन काम करने में आपको मसला होता है, ठीक है। तो काइंडली ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जितने भी जो है ना मेल हजरात हैं, ठीक है, उनके लिए कि सिर्फ औरत की जिम्मेदारी जो है ना गोल रोटी बनाना नहीं है, ठीक है।